दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड का जो पहले दिन था वो मैथ्स का पेपर था, और पहला पाली जो है उसमें से जे क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, ये लीक हो चुका था क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को पता है कि ये फर्जी नहीं है, ये असली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फर्जी नहीं है, जब भी लीक होता है पेपर वो असली ही लीक होता है। पिछली बार भी 2021 में लीक हुआ था क्वेश्चन पेपर। और ये बात भी आपको बता दें कि आप लोगों को सबको ये पता है कि जो जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारे लीक हुए हैं, एक नहीं, सिर्फ मैथ का ही नहीं लीक हुआ है, सारा पेपर लीक हुआ है। जैसा कि आप लोग को पता है, सबके पास, सबके व्हाट्सएप में लगभग में ये पेपर आया था, और जिसके पास नहीं आया था उनका समझ जाए कि उनका पहुँच उतना ज़्यादा नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हो रही है, नकल रहित परीक्षा। ये उस दिन का जो है दिया गया है, मतलब कि उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था मैथ का, उस दिन का ये पेपर है। उसमें जो लिखा हुआ, देखिए, नकल रहित परीक्षा कराने की परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी। छात्रों को गहन जांच के बाद परीक्षा केंद्रों पर एंट्री दी गई। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है परीक्षा बोर्ड जो है बिहार बोर्ड जो है वो सोचे थे कि बहुत ज़्यादा ही टाइट करके रखेंगे, लेकिन हुआ यूँ उसका उल्टा हो गया, पहले दिन मैथ्स का पेपर लीक हो गया। ये दोस्तों कोई भी चाहता नहीं है कि उसके बदनामी हो, बिहार वैसे ही बदनाम है कि जो है जब भी आदमी लोग टाइट होता है, मतलब कि बिहार बोर्ड बोर्ड टाइट होता है, तो जो है परीक्षार्थी इतने, मतलब क्या बोले, गुनी हैं, कह सकते हैं कि इतने गुनी हैं कि वो जो है कहीं ना कहीं से पेपर को लीक कर ही देते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ऐसा जो है इस पे पूरे स्टेट का जो है प्रभाव पड़ता है, पूरे स्टेट की बदनामी होती है। अब बिहार बोर्ड की तो बदनामी होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों कि क्वेश्चन लीक हो जाना चाहिए। हमेशा जो है क्वेश्चन, हमेशा जो है जो भी एग्ज़ाम दें उसको काफ़ी अच्छे तरीके से देना चाहिए, ताकि जो है काफ़ी सही तरीके से देना चाहिए, ताकि बाहर में देखिए होता क्या है कि बिहार बोर्ड बदनाम हो गया है, तो बिहार बोर्ड से जो करके जाते हैं बाहर में नौकरी नहीं मिलती, उनको जो बहुत अजीब नीची निगाह से देखा जाता है, क्योंकि हमेशा इस तरह का खबर आता है कि वहाँ चीटिंग चल रहा है, तो वहाँ पेपर लीक हो गया, तो इस तरह से जो है जो छवि बनती है बहुत ही ख़राब बनती है। इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सिर्फ सेकंड डिवीज़न से, सेकंड डिवीज़न जो पास करने वाले थे वो फर्स्ट डिवीज़न कर जाएंगे, और क्या होगा। और एक घंटा पहले जो लीक करने से कुछ फ़ायदा होता नहीं, कोई अगर कोई नहीं पढ़ा है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखिएगा दोस्तों।